हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बेस्ट फर्नीचर मोड अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। जी हाँ, अगर आपको भी डाउनलोड करना है सबसे अच्छा फर्नीचर मोड अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, ये जो फर्नीचर मोड मैं आपको देने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छा है, और ये कुछ दो दिन पहले ही रिलीज हुआ और काफ़ी अच्छा ये फर्नीचर मोड है। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिव्यू दिखा दूँ कि इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। पहले तो यहाँ पर आपको फुल पीसी सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो भाई, पूरा इस फर्नीचर मोड में आपको फुल पीसी सेटअप मिल जाएगा, जिसमें एलईडी स्क्रीन है और सब कुछ यहाँ वर्किंग है। ये देखो, इसमें चल भी रहा है, और यहाँ चेयर है, और इसमें देखो कैबिनेट है, सीपीयू है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। ओके, ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ ड्रम सेट, पूरा एक बैंड है ये देखो भाई। और ये इनकी आवाज़ सुनना, ये देखो ये डोर बेल है, और ये देखो इनकी आवाज़ सुनना ड्रम की। ये देखना, मैं बजाऊंगा तो इनकी आवाज़ सुनना। ये देखो भाई, क्या ही मस्त मोड मेरे को मिल गया है भाई, काफ़ी अच्छा है। देख सकते इसमें सब कुछ वर्किंग कर रहा है, और जैसा कि आप देख सकते कितने अच्छे से यहाँ प्ले भी कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे राइट साइड में पियानो, भाई पियानो भी बजता है। इसमें जितने भी फर्नीचर्स है सारे वर्किंग है, सब कुछ वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और ये देखो पियानो है, और ये पियानो भी वर्किंग है, इसमें भी साउंड आती है। मैंने इसका जो म्यूजिक होता है वो बंद कर दिया है, और वैसे तो ये भी पियानो बजता है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी है। और ये देखो यहाँ पर आपको सोफ़ा मिल जाएगा, और जितने भी फर्नीचर्स होते हैं सारे फर्नीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये हो गया बाथरूम का, जो बाथरूम का फर्नीचर्स होता है। ये देखो सब कुछ वर्क कर रहा है, इसमें पानी भी आ रहा है, ये देखना। और काफ़ी अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर, चेयर और किचन का, जितने भी होते हैं लिविंग एरिया सबके आपको फर्नीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये है किचन का, और ये देखो शावर है यहाँ पे, देख रहे हो, इसमें से पानी भी निकल रहा है, देख ही सकते हो कितना अच्छा है। और यहाँ बगल में मेरे यहाँ किचन मैंने बनाया है छोटा सा। यहाँ देखो, यहाँ पर फ्रिज है, और इस देखो फ्रिज का ये डोर भी ओपन होता है। ये देखो भाई, देख ही सकते कितना अच्छा है। और ये देखो सारी चीज़ ओपन होती है, सब कुछ वर्किंग है। ये देखना यहाँ पर, ये माइक्रोवेव है, और ये देखना यहाँ पर कुछ नल रखे हुए हैं, नल भी यहाँ चल रहा है, पैन है। और यहाँ पर देखो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ इसमें है ग्रेवियार्ड, ये देखो भाई, देख ही सकते हैं कितना और मॉडर्न लुक लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा, देख ही सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है टीवी, ये देखो भाई टीवी देखो, और ये टीवी वर्किंग है, ये देखो टीवी चल रहा है, सब कुछ वर्किंग है। सो गाइस, अगर आपको भी डाउनलोड करना है बेस्ट फर्नीचर मोड अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में और प्ले करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी डाउनलोड करना है बेस्ट फर्नीचर मोड अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, तो आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा डायरेक्ट मीडिया फायर डाउनलोड लिंक। जी हाँ, आपको मीडिया फायर का लिंक मिलेगा। सिंपली आपको उस मीडिया फायर लिंक पर आपको क्लिक करना है और अपने कोई से ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, और ये देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट होने लगा। तो इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका। ये डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आपको एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उस ऐप का नाम है जेड आर्चीवर ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर ले। फिर इसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। जैसे वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट फर्नीचर मोड का एक फाइल दिखेगा। सिंपली आपको इस फाइल पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपको दो फोल्डर देखने को मिलेगा, एक होगा बिहेवियर और दूसरा होगा रिसोर्स। तो आपको ये बिहेवियर वाला फोल्डर को यहाँ से कट करना है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कट करना है। फिर इसके बाद आपको जाना है डिवाइस मेमोरी में, गेम्स वाले फोल्डर में जाता हूँ। फिर इसके बाद आपको जाना है कॉम डाउन मोजैंग में, और आपको बिहेवियर पैक्स में इसमें पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर देने के बाद आपको फिर से वहीं पर चले जाना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ फिर से डाउनलोड्स में, अब बच गया रिसोर्स पैक। सिंपली इस फोल्डर को यहाँ से कट करें। कट करने के बाद फिर से चले जाए डिवाइस मेमोरी में, फिर से जाता हूँ गेम्स वाले फोल्डर में, कॉम डाउन मोजैंग में। अब आपको रिसोर्स पैक में इसमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए पेस्ट हो चुका। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये सब क्लियर कर लेना है। अब आपको अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, तो इसको ओपन होने देते हैं। सो गाइज, तो मेरा यहाँ माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैं प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ, या फिर आप पुराने वर्ल्ड में भी कर पाएंगे, आपकी मर्जी। तो यहाँ मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको करता हूँ क्रिएटिव, ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ, आप इसको सर्वाइवल में भी खेल पाएंगे, ठीक है।
अब हमें सीधे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ तीन चीज़ें ऑन करनी है। पहला आपको ये एक्सपेरिमेंटल का ये तीनों चीज़ दिख रही है, इन तीनों चीज़ों को आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ से मैं तीनों चीज़ों को ऑन कर देता हूँ। फिर आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप अप करना है, जाना है रिसोर्स पैक में, माई पैक्स में, और यहाँ से ये वाला फर्नीचर ऐड ऑन इसको भी यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ। अब आपको बिहेवियर में जाना है, फिर माई पैक्स में जाना है, और यहाँ से इसको भी एक्टिवेट कर देना है। तो एक्टिवेट करके कंटिन्यू कर देता हूँ, और ये देखो दोनों में मेरा एक्टिवेट हो चुका। अब आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्रिएट होने देते हैं। और एक बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फर्नीचर्स कैसे मिलेंगे। अभी तो मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, अगर आप इसको सर्वाइवल में खेलते हैं तो आपको क्या करना है, बस आपको अपनी इन्वेंटरी खोलनी है और यहाँ से आपको स्टोन कटर ले लेना है। तो यहाँ से मैं स्टोन कटर ले लेता हूँ। ओके, कहाँ गया, ये रहा स्टोन कटर। स्टोन कटर ले लेता हूँ और आपको सर्च बार में जाके नीचे चले जाना है, ठीक है। एकदम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ आइटम्स देखने को मिल जाएगा। ये देखो कितने सारे यहाँ आइटम्स है, ये कुछ आइटम है, मैं आपको और आइटम्स दिखाऊंगा। तो यहाँ से पहले मैं स्टोन कटर को रख देता हूँ, ओके नीचे रखता हूँ। और यहाँ पर आपको एक इंगोट चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इंगोट है। ये रहा वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये वाला आपको सर्वाइवल में माइनिंग करते वक्त मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये ले लेना है। अब आपको इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर रखना है। जैसे ये अंदर रखेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फर्नीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। देखो फैन है, चेयर है, पीसी का सेटअप है और काफ़ी कुछ है। तो यहाँ से मैं कुछ निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो सोफ़ा है और यहाँ पे गेमिंग चेयर है और यहाँ देखो ड्रम्स भी है, काफ़ी कुछ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं पीसी भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो पीसी कहाँ, ये रहा पीसी का कैबिनेट है ये, और यहाँ से पीसी कहाँ गया, पीसी कहाँ गया, ये रहा पीसी, ये रहा मॉनिटर जिसको कहते हैं शायद। ओके, ये देखो यहाँ पर देखो, और ये चलता भी है, देखो कितना मस्त लग रहा। और इसके अगल बगल में सीपीयू रख देता हूँ, यहाँ देखो ये रख दिया और ये रख दिया, ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बस आपको ये वाला इंगोट है ना, ये आपको बस कलेक्ट करना है, ये आपको सर्वाइवल में माइनिंग करते वक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो रही सर्वाइवल की, अगर आप क्रिएटिव में हो तो आपको सिंपली वो मैसेज वाला आइकन खोलना है और यहाँ पर एक कमांड लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लैश फन सन स्पेस। जैसे ही आप स्पेस लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप कुछ भी लिख के फर्नीचर्स मंगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेटअप लिखता हूँ, तो सेटअप लिखेंगे तो ये देखो सेटअप में आपको ये सब मिल जाएगा, पीसी का ही सेटअप मिल जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पे टेबल पे मॉनिटर रख देता हूँ और ये देखो कैबिनेट्स, और यहाँ एक्सबॉक्स है और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको चेयर भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं चेयर निकाल लेता हूँ इन्वेंटरी में। ये देखो चेयर आ चुका है और यहाँ पर चेयर रखता हूँ और इस पर आप आराम से बैठ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल आपको यहाँ मैसेज खोलना है स्लैश फंक्शन स्पेस और यहाँ से और भी कुछ आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता आपसे ऐसी ही नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।